हेलो दोस्तों, मैं साक्षी कुकिंग विद साक्षी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आलू कैंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये हाफ के जी आंवला लिया है। उसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और जो भी इसमें हल्के फुल्के दाग धब्बे थे उनको काट करके निकाल लिया है। और इसमें देखिए मैंने पानी डाला है कुकर में, तो अब इसको मैं उबालूंगी। तो एक सीटी आने तक ही बस उबालना है। अगर आप इसको पानी में डाल कर उबालना चाहते हैं बिना कुकर के, तो बस एक उबाल आने तक इसको उबालना है। तो मैं इसको एक सीटी आने तक उबालूंगी। तो फ्रेंड्स, आलू को मैंने उबालने के लिए रख दिया है और हाई फ्लेम पे मैं इसको उबाल रही हूँ। तो देखिए इसमें प्रेशर बन गया है। जैसे ही एक सीटी लगेगी वैसे ही गैस में ऑफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आलू में एक सीटी लग गई थी और इसका प्रेशर भी अब निकल गया है। तो मैं इसको खोल देती हूँ और आपको चेक करके दिखाती हूँ कि आला हो गया है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा एक आधा आला फट गया है। तो एकदम अच्छे से हो गया ये। तो अब इसको हम छान लेंगे, इसका पानी अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बाउल लिया है, उसमें स्ट्रेन रखा है छन्नी। तो इसमें हम पानी छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू को मैंने पानी से छान लिया है और इसको देखिए कि ये कितना अच्छे से इजीली अलग हो जा रहा है। तो अब इसका हम बीज अलग कर लेंगे एक एक करके। तो पहले मैं बीज अलग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू को मैंने बीज से अलग कर लिया है और ये बीज निकाल लिया है। और जो इसका ये पानी बचा हुआ है इसको हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। इससे हम बाल धुल सकते हैं, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसको फ्राइड कर देते हैं। और ये जो आले हमने अलग करके रखे हैं बीज निकालते निकालते, ये ठंडा हो गया पूरी तरह से। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो इसमें मैं 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी लिया है, वो डाल दूँगी चारों तरफ। आलू को अच्छे से चीनी से ढक देंगे, मिलाना नहीं है इन्हें, ऐसे ढक देंगे। तो देखिए आलू को मैंने चीनी से एकदम अच्छे से ढक दिया है। अब इसमें हम एक इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि हमारा आलू जो है सालों तक काला नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने नींबू का रस लिया है, ये मैंने एक नींबू का रस लिया है। इसको चारों तरफ ऐसे डाल देंगे। अब इस आले को हम इसी तरह से ढक के रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए। एकदम अच्छे से ढकना है। अब इसको हम 3 से 4 दिन बाद देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 दिन हो गया है आंवला को चीनी के साथ रखे हुए। और ये देखिए एकदम चीनी इसमें घुल गया है और आंवला जो है चीनी को एकदम बढ़िया से अब्जॉर्ब कर लिया है। तब इसको हम चीनी से का जो घोल है उसे अलग कर देंगे। इसको हम छान लेंगे। ये देखिए आलू को मैंने चीनी के घोल से अलग कर लिया है, चीनी के छान लिया है। अब एक थाली लेंगे और उसमें आलू को एकदम अलग अलग पीस में चारों तरफ फैला देंगे। एक थाली की जगह 2 थाली भी ले सकते हैं। और इसे हमें 4-5 दिन तक धूप में रखना है। तो इसको पहले मैं थाली में फैला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू को मैंने 2 थालियों में फैला दिया है। अब इसे हमें 4 से 5 दिन धूप दिखाना है और ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है, 2-3 घंटे बस इसको धूप में रखना है। और अच्छे से नहीं सुखाना है इसको कि इससे आवाज़ निकलने लगे इसको तोड़ने पर, थोड़ा ये सॉफ्ट ही रहे। तब इसको हमको हटा देना है धूप से। और इधर जो मैंने ये चीनी वाला पानी रखा है अलग करके, इसको हम या तो इसके गर्मियों में इसका शरबत बना के पी सकते हैं, या फिर आंवले का मुरब्बा अगर आप बनाएं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इमली की चटनी बना रहे हैं तो उसमें भी इसको डाल के इमली की चटनी बना सकते हैं। तो चलिए अब पहले इसको धूप में दिखा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आंवला हमने सूखने के लिए रखा था वो सूख गया है और जैसा हमें चाहिए वैसा ही सूखा है। कि इसमें से आवाज़ नहीं आना चाहिए कि इसको हम तोड़ें और तड़ से आवाज़ करेंगे, इसमें ऐसे खिंचाव जैसा होना चाहिए। और ये देखिए एकदम अच्छे से सूख गया है और मैंने 2 थालियों में रखा था सूखने के लिए इसे।
तो दो थालियों में से मैंने एक दो दिन बाद इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये अच्छे से सूख गया है। और मैंने चार दिन इसे लगातार तीन तीन घंटे धूप में रख के सुखाया है। अब हमें लास्ट क्या करना है इसमें, इसे मैं एक जगह कर लूँगी और इसमें अब मैं ये शुगर पाउडर ऐड करूँगी। और ये मैंने हाफ के जी का बनाया था, हाफ के जी आंवले का कैंडी बनाया है। आप अधिक का भी बना सकते हैं, मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, बस मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बनाया है। और बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं जो कैंडी है, और आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें नींबू का रस जो मैंने डाला था उसकी वजह से जो हमारी कैंडी है ब्लैक नहीं पड़ेगी, और ये जैसा है अभी इस समय इसका कलर वैसा ही है, साल भर रखने के बाद भी रहेगा। तो मैं इसे एक सूखे से डिब्बे में रखूँगी, या फिर आप किसी कोई भी कांच की जार ले लें या फिर प्लास्टिक का डिब्बा ले लें, तो पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। अब इसे मैं इसमें भर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को डिब्बे में भर लिया है। अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो शुगर पाउडर के साथ साथ आप इसमें अजवाइन पाउडर, हींग पाउडर और काला नमक या फिर काली मिर्च ये सब डाल के मिला सकते हैं, उससे ये चटपटा बन जाएगा। मैंने यहाँ ये मीठा बनाया है और इसको भर भी लिया है डिब्बे में, तो अब ये सालों तक चलेगा। तो अब आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा और साथ में लाइक भी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।